बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में जारी हैं और आज 12 में से एक टीम का फैसला हो गया जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, गुज़िश्ता साल की फाइनलिस्ट टीम जिसे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी। आज न्यूजीलैंड ने अपना मैच 35 रन से जीता है और न्यूजीलैंड ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ ये कामयाबी हासिल की, जबकि आज जो दूसरा मैच हुआ अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान, उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से कामयाबी हासिल की। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद और पाकिस्तान के नौजवान ओपनर, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से पहली सेंचुरी स्कोर करने वाले अहमद शहजाद। इन दोनों से बात करेंगे। गुफ्तगू सिलसिले का जावेद मियादाद से आगाज़ करते हैं। जावेद भाई, न्यूजीलैंड की टीम खासी मजबूत नज़र आ रही थी इस वर्ल्ड कप में, जिस तरह से उन्होंने अपना पहला मैच इंग्लैंड को हराया 89 रन से, जो पहला मैच हुआ उसके बाद से उन्होंने रिदम गेन किया। आज उन्होंने आयरलैंड को जो है 35 रन से शिकस्त दी, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं अब आप इस टूर्नामेंट में? देखिए ना, परफॉर्मेंस इटसेल्फ बात कर रही है कि किस तरीके से उन्होंने खेला है, किस तरीके से लेके आए हैं, ठीक है ना। और ये वनडे क्रिकेट है 2020 के, तो आपको पता ही है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो बैट्समैन अच्छे जो है चल सकते हैं। आज भी दो ही चले, उनका केन विलियमसन कप्तान, इससे ज़्यादा चल ही नहीं सकते राइट। अगर आप शुरू से ही ना मार धाड़ के खेल के और अगर जीत भी जाए, मगर आपकी क्रिकेट में एज ए प्लेयर जो है वो आपकी आपको इतना ज़्यादा है ना, यानी कि कॉन्फिडेंस वो इनिंग देती नहीं है, जितना कि आप आराम से प्लान के साथ। मैं तो यही कहूंगा कि प्लान के, आज न्यूजीलैंड प्लान के साथ खेली। जावेद भाई, 185 रन न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए 20 ओवर में, 9 से ज्यादा का रन औसत। अगर 6 रन का एवरेज है या 8 रन का एवरेज है, ठीक है, आप पहले सिंगल लेके 4 तो जाएं, एक चौका लेके 2 बॉल पे आप चांस लें, इस तरीके से क्रिकेट को भी दिमाग से लेके चले। अहमद क्या कहेंगे, केन विलियमसन पे तनकीद हुई पिछले मैच में, बहुत स्लो खेला, आज उसने उसको कंपनसेट किया जिस तरीके से आज उसने बैटिंग की, उसका स्ट्राइक रेट भी ज़बरदस्त रहा और उसने एक अच्छे स्कोर की बुनियाद रखी। बिल्कुल, जिस तरह लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो कैलकुलेशन थी केन विलियमसन की, लास्ट गेम में वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, थोड़ी सी मिस कर गए। फिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए जी, 18 बॉलों पे 32 स्कोर उन्होंने आज भी किए। मैं पहले भी बोलता हूँ कि जब आप ओपनर आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने 70-80-90 स्कोर करने हैं। आप इस तरह का स्टार्ट दे सकते हैं टीम को कि आपकी जो बाकी आने वाली सारी टीम है वो आसानी में पड़ जाती है। और उसके बाद मिचेल, उन्होंने भी 18 बॉल पे 21, जिस तरह जावेद भाई ने कहा है कि सारे प्लेयर्स रन नहीं करते, दो तीन करते हैं 30-32-35, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। 177 का फिन का स्ट्राइक रेट था, 174 का केन विलियमसन का, पाकिस्तान के किसी प्लेयर का नहीं है इतना इसका स्ट्राइक रेट था 4 मैचों में। देखिए इसमें 4-5 जो नंबर के जो प्लेयर है उनको तो है ना प्रैक्टिस पता क्या करनी चाहिए, जाके ना लंबी लंबी शॉट है, छक्के ये वाले की स्ट्राइक इनको करनी चाहिए, क्योंकि जब जिस फॉर्मेट में आप जाते हैं ना, उस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करके और उस तरीके से आप जाएंगे तो वही चीज आपको ग्राउंड में आएगी और वही चीज आपकी चलती। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर जो है ना, जो पहले चले आ रहे हैं वो दूसरा भी मैच कर रहे, मगर उन्होंने अपने आप को ये देखा नहीं कि ट्यून नहीं किया। तो आपको हर मैच में हर टाइम पे कौन सा किस टाइम पे क्या ट्यून करना जो है ना, लाइक रेडियो, बहुत जरूरी रेडियो बने कि सिग्नल पकड़ना, तो हमारे वालों के सिग्नल कहाँ चले जाते, शुरू से ऑफ हो जाते हैं हमारे। हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है, हमारे टेक्निकली जो है ना, हमारे प्लेयर साउंड नहीं है, हमारी जो बेसिक जो है ना, इन लोगों की बेसिक है ना बड़ी स्ट्रांग है, ये एक दफा मारना सीख जाएंगे तो ये एकदम ऊपर ही जाते रहते हैं, क्योंकि इनकी बेस जो है वो तो स्ट्रांग है, मारना नहीं आता था, मारना आ गया, उनको पता है अब किस तरीके से क्रिकेट को लेके चलना है, वो अब खेल रहे हैं, देख रहे हैं, कॉपी भी कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेयरों को, मगर आपकी साउंड टेक्निक होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। अभी हम अहमद पे भी आएंगे, लेकिन आज जॉश लिटिल जो उनके मीडियम फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने आज हैट्रिक की आयरलैंड के। अहमद, हैट्रिक करना भी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो सबसे पहली हैट्रिक, जावेद भाई वो मैच खेल रहे थे 1982 में, सितंबर 1982 में हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी जलालुद्दीन ने,
और मजे की बात यह कि उस वक्त जावेद भाई से पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूँ, उस वक्त टीम जो थी वो उसने उसको उतार दिया सोराब गोड पे जलालुद्दीन को, वहां से वो रिक्शे में नाजमाबाद अपने घर गया। अब तो हैट्रिक बन चुकी है अहमद, कितना बड़ा एजाज होता है हैट्रिक बनाना? देखिए बहुत बड़ा एजाज है, बिल्कुल हैट्रिक कोई सेंचुरी से कम नहीं होती। और मेरे ख्याल से जो लिटिल हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बिसाइड्स द फैक्ट वो इस वर्ल्ड कप से क्या गेन कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन उनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, उनकी फैमिली के लिए, आयरलैंड के लोगों के लिए, आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आपने देखेंगे तो केन विलियमसन को भी उन्होंने बॉडी पे स्लो बॉल किया जिसपे वो आउट हुए, पीछे से एलिवेशन नहीं ले सके क्योंकि बॉल स्लो था। अगले दोनों जो विकेट थे वो आइडियल टेस्ट मैच लेंथ थी, आप बिल्कुल वो पड़े, बिल्कुल यू नो लेफ्ट आर्म का जो होता है वो पड़े और पड़ के स्किड होके वो अंदर आए, बड़ी आइडियल लेंथ थी। दोनों बॉल बहुत जबरदस्त की और सेंटनर और नीशम को दोनों को समझ नहीं लगी क्या कर। लिस्ट देखें कि ब्रेटली जो है ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने सबसे पहले 2007 में जो जनूबी अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें हैट्रिक की, फिर कर्टिस कैम्फर ने आयरलैंड के नेदरलैंड के खिलाफ 2021 में, इसमें वो मैचेस भी शामिल हैं जो क्वालिफाइंग राउंड्स के हैं। उसके अलावा हसरंगा श्रीलंका का साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में उन्होंने यूएई में हैट्रिक की, फिर कगिसो रबादा ने इंग्लैंड के खिलाफ, आप देखें तीन हैट्रिक जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में हुई है गुज़िश्ता बरस। फिर उसके अलावा जो इस दफ़ा हैट्रिक, इस दफ़ा क्वालिफाइंग राउंड में एक हैट्रिक की मियाप्पन, कार्थिक मियाप्पन श्रीलंका के, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अब ये हैट्रिक जॉश लिटिल ने की है आयरलैंड के न्यूजीलैंड के खिलाफ इस साल। तो इस साल दो हैट्रिक हुई, पिछले साल तीन हैट्रिक्स हुई थी और उससे पहले छः साल पहले एक हैट्रिक हुई थी 2007 में। जावेद भाई आयरलैंड के देखें दो ने की, आयरलैंड के दो बॉलर ने, ये भी क्रिस्टोफर कैम्फर और जब क्रिकेट बेचारे इतनी टेस्ट नहीं उसमें नहीं है तो इसका मतलब क्रिकेट वनडे क्रिकेट की जो है ना T20, क्योंकि आपने देखा ये स्कॉटलैंड आयरलैंड इधर वनडे क्रिकेट जो है वो ये लीग जो है वो इतनी लीग होती है कि आप यानी उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। दुनिया में ना सारे जितने भी प्लेयर हैं बड़े बड़े वो भी है ना इन लीगों में। जावेद भाई आप उस मैच में थे, अहमद तुम्हारी तरफ आता हूँ पहले, उस मैच में थे जिसमें जलाल ने हैट्रिक की थी 84-82 ऑस्ट्रेलिया थे, जावेद मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप थे उसमें, वो जो था वो रॉडनी मार्श भी था, जूलियन भी था। बहरहाल अहमद आपकी तरफ मैं, अहमद आप कुछ कहना? बड़ी अच्छी बात की कि लीग क्रिकेट जो ये खेलते हैं इसका जो एटमॉस्फेयर है ना इकबाल भाई, देखिए एटमॉस्फेयर इज द की। आप अपने प्लेयर्स को जब तक एटमॉस्फेयर नहीं देंगे जहाँ पे वो अपना 100% देना चाहें, देखिए जब भी आप कहें अगर आप डोमेस्टिक इसलिए खेलें कि मैं आऊं और अपनी परफॉर्मेंस कर दूं किसी तरीके से, अपनी सेंचुरी कर दूं, वापस पाकिस्तान टीम में चला जाऊं, कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा, बहुत कम चांसेस होंगे। आपने एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना है कि प्लेयर वहां पे आए, बेशक पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया है लेकिन वहां पे वो कहे कि हाँ यार इट्स वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ खेलना चाहता हूँ। तो जो आयरलैंड है और जिस तरह इंग्लैंड की आप बात करते हैं, जो यहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म है, जो प्लेयर की इज्जत है, जो प्लेयर को सराहा जाता है, वो बिसाइड्स द वे आप परफॉर्मेंस करते हैं कि नहीं करते, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर जो इन द एयर होता है वहाँ प्लेयर का दिल करता है खेलने का, आफ्टर भी करते हैं वो। और देखिए क्रिकेट जब तक आप एंजॉय कर रहे हैं तब तक परफॉर्मेंस होगी, एंजॉय नहीं करेंगे परफॉर्मेंस नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें इतनी फैसिलिटीज ना होने के बाद इस मुल्क में वर्ल्ड क्लास वन ऑफ द टॉप पीपल स्पोर्ट्स एथलीट 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते, T20 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हमें अगर सही तरीके से सारी जैसे दुनिया को मिलती है जो बड़े बड़े जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इनको जो फैसिलिटीज है हमारे यहाँ भाई, जब से खान साहब ने टीमों की तादाद कम की आप देखें ना, सिर्फ 192 क्रिकेटर्स तक क्रिकेट महदूद होकर रह गई है, इदारे बंद हो गए थे, अब नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है अभी तक। इदारों की क्रिकेट से हमारी क्रिकेट बहुत फायदा थी, बहुत फायदा टॉप पे थी, क्योंकि मैं उससे पहले भी तो क्रिकेट खेली ना, मैंने सेवेंटीज में खेली, आप काउंटी क्रिकेट खेलने चले गए, गशे से ना प्लेयर खेलते थे, रात को दो तुमने खिला लिया दो मैंने खिला लिया, ये टीम बनती थी कराची लाहौर और इन जगहों की जिनकी बस जिनकी सोर्स है वो खेलते थे, चाहे क्रिकेट खेली ना हो कितने ऐसे पास में ना प्ले। तो बैंकों की वजह से ये इदारों क्रेडिट अब्दुल हफीज कारदार को क्रेडिट जाता है, प्लस फिर उसके बाद एयर मार्शल रूम जी है। देखिए मैं मेरा एक मानना है, मुझे भी काफी देर हो गई यहाँ खेलते हुए, चेक एंड बैलेंस ऑनेस्टली
आप HBL में आए, जावेद भाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए HBL से। तो चेक इन बैलेंस जिन इदारों में होता है वो इदारे तरक्की करते जाते हैं। बड़ा मुख्तसर बात करूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, क्रिकेट बोर्ड में है चेक इन बैलेंस। मैं ये नहीं बोलता है नहीं है, मैं कहता हूँ कि जहाँ चेक इन बैलेंस होता है ना प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ, वो इदारे तरक्की करते हैं। मगर प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर होता है, उसको पता मुझे इदारे अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एहतिसाब होता है उसकी सबसे ज्यादा मेन देखें ना, प्लेयर पर भी बहुत दबाव होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अहमद शहजाद ने तो डक कर दिया कि चेक एंड बैलेंस, लेकिन जावेद भाई से चेक एंड बैलेंस पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स। न्यूजीलैंड ने अपना आज मैच जीता, जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। पहले एक नज़र डालेंगे इस ग्रुप की पॉइंट्स टेबल पर, ग्रुप वन की क्या पॉइंट्स टेबल है, सूरत हाल क्या है। न्यूजीलैंड अब तो क्वालिफाई कर गया है, अब बाकी रह गए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया अगरचे आज अपना मैच जीता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अब अपना आखिरी मैच श्रीलंका से हर कीमत पर जीतना होगा। बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को अपना आखिरी मैच श्रीलंका से हर कीमत पर जीतना होगा। ऑस्ट्रेलिया आज मैच जीत गया, उसके 7 पॉइंट्स हो गए हैं, न्यूजीलैंड के 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली पहुँच चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया के 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड श्रीलंका को हरा देता है तो फिर न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड इस ग्रुप से पहुंच जाएगा। और आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया की इतनी परफॉर्मेंस मायूस कुन है कि वो मैदान जो भरे होते थे ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के लिए, अब बहुत कम तादाद में शायतीन क्रिकेट आ रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच नहीं खेले, उन्होंने रेस्ट किया और उनकी जगह विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने कप्तानी की। और इतने मैचेस के बाद, 4 मैचेस के बाद आज ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उनके साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ खेले। अहमद क्या कहेंगे, स्टीव स्मिथ को बिठाया हुआ था पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन को देखते हुए? मैंने आपको पहले भी बोला था कि कैप्टन का अच्छी फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है और कैप्टन इटसेल्फ लायबिलिटी बने हुए थे। और ख़ुद बड़ा एम्बेरसमेंट होती है जब आप ग्रुप को लीड करते हैं, आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो बड़े बड़े प्लेयर। फिंच ने आखिरी मैच में अहमद 50 किए। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ग्रुप में आप लीड करते हो, पिछले 5-7-8 सीरीजों से जब परफॉर्मेंस ना हो रही हो और आप इतने इतने बड़े प्लेयर्स को लीड कर रहे होते तो वो अथॉरिटी रहती नहीं है। आप खुद वो जो आप में कॉन्फिडेंस होता है एज अ लीडर वो रहता नहीं है। इवन दो उन्होंने आखिरी मैच में 50-60 स्कोर किए लेकिन उनको पता है दे आर वे शॉर्ट। आज देखिए स्टीव स्मिथ को खिलाया, मुझे नहीं समझ लगी कि आज चेंज करने की क्या जरूरत थी। बिकॉज अगर आप देखें कि बड़े मार्जिन से जीतना बहुत जरूरी था ये मैच और अगर ये कम अज कम 100 रन से जीतता तो फिर इंग्लैंड को अगला मैच 50 रन से जीतना था मिनिमम, और अगर ये 50 रन से जीतता तो 29 रन से, तो अब 50 से नीचे क्योंकि जीता है बड़ा क्लोज आ गया। इंग्लैंड को सिर्फ श्रीलंका से अपना मैच जीतना और वो थ्रू कर जाएगा। जहाँ तक आपने शायकीन क्रिकेट की बात की कि स्पेक्टेटर्स बड़े कम आ रहे हैं, ऑब्वियसली यही होता है जब आपको लोग खुले हाथ सपोर्ट कर रहे होते हैं, यू नो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी कुछ सर्टन एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उन्हें लगता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनके आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है अप टू द मार्क नहीं थी, प्रिपेयर अच्छी नहीं थी और सिलेक्शन में उनकी थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, फॉर्म लड़कों की डेविड वार्नर की उस तरह नहीं लगी हुई, मैक्सवेल ने उस तरह परफॉर्मेंस थ्रू आउट नहीं दी हुई और फिंच की अपनी परफॉर्मेंस, तो जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं बड़े प्लेयर सीनियर कप्तान जो रहे हैं और स्पेक्टेटर्स वो उदास हैं। आज वार्नर ने जावेद भाई सिर्फ 25 रन किए, आज पहली दफ़ा उसने ज़्यादा रन किए। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जिससे बड़ी तवक्कात थी लास्ट ईयर आपको याद होगा मैथ्यू वेड ने छक्के लगाकर शाहिद आफरीदी को ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल जितवाया था और ऑस्ट्रेलिया फाइनल भी जीता था। हमारे यहाँ पर तो ये होता है कि पता है कि आपकी ब्रेड एंड बटर है, इनकी ब्रेड एंड बटर नहीं होती है, ठीक है ना। पैसे तो मिलते हैं नहीं, मगर वो तो है, मगर उसके अलावा मैं कहता हूँ अगर ये खेलते तो सोने पे सुहागा है ना, नहीं खेलते तो नहीं खेलते तो फिर भी उनकी ना लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। अक्सर अमूमन जो जहाँ पर जो प्लेयर खेल रहे होते हैं जैसे पाकिस्तान ये वो उनके इनके लिए ब्रेड एंड बटर होती है बिल्कुल, अगर नहीं खेले तो फिर आगे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है सारा कुछ। तो इनमें उन्होंने ये फर्क है कि परफॉर्मेंस नीचे इस दफा आपको क्यों लगी कि ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह परफॉर्मेंस नहीं की इस दफा? देखिए ये प्लेयर के अपने ऊपर है, क्या उससे पूछे कि उसने गलतियां क्या की हैं, उसने अपने आप को प्रिपेयर किया या नहीं किया। देखिए इंडिविजुअल है कलेक्टिवली भी है, मैं कहूँगा क्रिकेट इंडिविजुअल है बेसिकली, व्हेन यू आर बैटिंग व्हेन यू आर बॉलिंग, क्योंकि आपके हाथ में बॉल है आप जहाँ फेंक दो, बैटिंग भी आपको आप कौन सी गलती करते नहीं करते करते रहते हैं और फिर वो कलेक्टिवली आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लेयर जो है अपने आप को पूरा सॉलिड करें,
वही लेके टीम को चलोगे ना, आप खेलते थे, आप परफॉर्म करते थे, टीम को लेके चलते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अहमद, अगर हम देखें तो अफगानिस्तान ने आज बड़ा डटकर मुकाबला किया, राशिद खान आप भी खेले उनके साथ, राशिद खान ने आज बॉलिंग के अलावा बैटिंग बड़ी अच्छी की, बिल्कुल क्लोज ले आए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी, 4 रन से ऑस्ट्रेलिया जीती। कैसे कहेंगे अफगानिस्तान की टीम के बारे में कहा जा रहा है कि ये उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, T20 के वो स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जो एक्सपेक्टेशंस। देखिए मैं बड़े अरसे से अफगानिस्तान की क्रिकेट फॉलो करता आ रहा हूँ, इनके साथ ग्राउंड में भी उतरा हूँ, इनकी मीटिंग्स भी अटेंड की हैं जो इनके अगेंस्ट की हैं। इकबाल भाई बहुत क्लोज आके ये लोग मैच हारते हैं हमेशा, इनकी कमिटमेंट रहती है, इनकी एफर्ट रहती है, लेकिन जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो ये मिस आउट कर रहे हैं, ये एक चौथे नंबर का अच्छा बैट्समैन मिस आउट कर रहे हैं जिसको गेम अवेयरनेस हो, जो अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल सके, जो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा सके, अपने निचले बैट्समैन जो हिटर्स हैं उनको दे सकते हैं। स्पिन इनका बहुत अच्छा है और इनको एक तगड़ा फास्ट बॉलर, इम्पैक्ट फास्ट बॉलर चाहिए कि जो जहां भी जब भी कप्तान को विकेट चाहिए हो या उसने ओवर निकालना हो तो वो हाथ खड़ा करे। लेकिन इनको फील्डिंग भी जावेद भाई इंप्रूव करने की जरूरत है, ये देखें किस तरीके से कैच, इजी कैच था ये, ड्रॉप किया गया, कप्तान था मुझे लगता है अहमद नबी था वो, नहीं ये नबी नहीं था, ये स्लिप में अच्छा लिया गुलबदीन नायब ने, ये देखें स्लिप में अच्छा कैच लिया। कंसिस्टेंसी नहीं है जो अहमद बात कर रहा था कि इनके पास कमी है, ये इसीलिए तो इनका चल गया नहीं चला तो यही होता है। इकबाल भाई आप ठीक बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, जब आप जीतने लग जाते हैं ना तब कंसिस्टेंसी भी आ रही है, हो जाती है आपकी फील्डिंग भी बेहतर हो जाती है, आपकी ओवरऑल जो लुक है वो बेहतर नजर आने लग जाती है। ये लोग हारते हैं 10 रन से, 6 रन से, 8 रन से, जिस दिन इनको वो जीतना शुरू हो गया आप देखेंगे कि अफगानिस्तान क्रिकेट का एक नया चेहरा सामने आता रहेगा। लेकिन अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अब आप क्या समझते हैं इंग्लैंड श्रीलंका का जो मैच है उसमें आप समझते हैं फेवरेट श्रीलंका मुश्किल डाल सकती है या फेवरेट इंग्लैंड को? डेफिनेटली मुश्किल डाल सकती है। देखिए जो भी हो इस टाइम इस प्रेशर के साथ इंग्लैंड खेलेगा कि ये मैच खेलना जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप इस प्रेशर के साथ ग्राउंड में उतरते हैं कि ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कभी कभार आप एक्स्ट्रा एफर्ट करने जाते हैं, अपने जो प्लान्स हैं बेसिक उससे हट के चीज़ें करने जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। जहाँ पे श्रीलंका ने थोड़ा सा पावर प्ले अच्छा खेल लिया या बॉलिंग में जो है ना उन्होंने अर्ली विकेट्स ले ली, तो ये मैच मेरा, मैं आपको फिर बोलता हूँ, जो बैटिंग साइड पावर प्ले अच्छा खेल जाए, जो बॉलिंग साइड पावर प्ले में 2 विकेटें ले जाए, वो मैच हमेशा 20वें ओवर तक जाएगा। जावेद भाई सिडनी में मैच है, दोनों टीमें स्टैंड क्या करती है, श्रीलंका कैसे स्टैंड करती है और इंग्लैंड कैसे स्टैंड करती है। इंग्लैंड जो है ना उसके इंग्लैंड के 5 पॉइंट है ना, इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल में अगर हरा देगी तो रन नेट रन रेट पे पहुंच जाएगी। लेकिन जावेद भाई अगर आप देखें श्रीलंका, श्रीलंका का मुश्किल लग रहा है, श्रीलंका नहीं आती, बहुत मुश्किल, श्रीलंका हैज नथिंग टू लूज, वो आके ऑन गन ब्लेजिंग खेलेंगे। श्रीलंका आती है तो उसका मतलब किस तरीके से वो पहुंच सकते हैं, वो नहीं तो वो चांस लेंगे, वो डिसाइड हो गया जावेद भाई, नहीं अब सिर्फ 3 टीमों में। तो जिस तरह हमने पाकिस्तान को देखा फिनिश, जब जब प्रेशर थे पाकिस्तान के ऊपर तो उनकी क्रिकेट उस तरह फिनिश नहीं कर पाई, आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दे हैव गॉट नथिंग टू लूज ऑलमोस्ट, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली। इसी तरह श्रीलंका वो प्रेशर के बगैर आएगा और इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर होगा। देखिए श्रीलंका के 4 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं और अगर श्रीलंका इंग्लैंड को हरा भी देता है तो उसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 7-7 पॉइंट है तो वो दोनों पहुंच जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड अगर श्रीलंका को हराता है तो इंग्लैंड के 7 पॉइंट हो जाएंगे और इंग्लैंड का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया से कहीं बेहतर है, तो इस तरह न्यूजीलैंड के साथ साथ इंग्लैंड की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरी चीज़ जावेद भाई आप बताएं, सिडनी में मैच है, फिर अहमद की तरफ आऊँगा, सिडनी की विकेट के बारे में कहा जाता है कि अमूमन वो स्पिनर्स के लिए थोड़ी हेल्पफुल साबित होती है, उनके पास हसरंगा है लेग स्पिनर जो वर्ल्ड टॉप 10 में T20 के, उनके पास ठीक शने जो ऑफ स्पिनर और धनंजिया है, तो आप समझते हैं ये स्पिनर मुश्किल डाल सकते हैं इंग्लैंड। सिडनी की विकेट जिसको कहते हैं एक परफेक्ट विकेट, अच्छा वो नहीं है, वहाँ काम 19 भी हर चीज स्विंग भी होती है, स्पिन भी होता है, स्विंग भी, क्योंकि घास भी आप देखते हैं तो पैचेस होते हैं, एक हार्ड नहीं है वहाँ की, वहाँ की सरफेस जो है ना विकेट में थोड़ी नमी टाइप इंग्लिश कंडीशन वाली विकेट रहती है हमेशा सिडनी में, क्योंकि वहाँ का एटमोसफेयर डिफरेंट, आप ले लें होबार्ट ले लें या क्वींसलैंड ले लें, वहाँ पर डिफरेंट विकेट, वहाँ पर्थ ले लें, पर्थ में भी ये विकेट के ऊपर आपको कंटेन करना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान का हुआ था अहमद, क्या कहेंगे पाकिस्तान का सिडनी में ही तो मैच हुआ था जी। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि बहुत सारी चीजें श्रीलंका के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ये जो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, जिस तरह जावेद भाई ने कहा थोड़ी सी डैम्पी होती है वहाँ पे,
स्पिनर को परचेज मिलता है, बाउंस में मिलता है, ग्रिप मिलता है। ऑन दी अदर एंड हमें देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि श्रीलंका गॉट नथिंग टू लूज, अब वो क्वालिफाई की रेस में नहीं है, तो जब आपके ऊपर से ये प्रेशर खत्म हो जाता है, आप टफ टाइम देंगे अवाम की, सबसे बड़ा प्रेशर होता है अवाम की एक्सपेक्टेशंस, जिस टाइम आपको पता लग जाए कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई हैं, आप एक डिफरेंट टीम बन के निकलते हैं जो कि श्रीलंका अगले मैच में नजर आ सकता है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जावेद मियादाद और अहमद शहजाद के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में पाकिस्तान के लेजेंडी बैट्समैन जावेद मियादाद और नौजवान ओपनर अहमद शहजाद के साथ आपको एक मरतबा फिर शो में खुश आमदीद कहते हैं। आज सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है, एक टीम न्यूजीलैंड आ चुकी है, कल इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच के बाद इस ग्रुप वन से एक और टीम का फैसला हो जाएगा, लेकिन परसों जो तीन मैच खेले जाने वाले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इतवार के दिन, और वो उन मैचेस पर अगर आप नज़र डालें तो वो किस तरीके से जो है वो मैचेस जो है वो उनका क्या होगा। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि परसों जो है साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा, और फिर उसके अलावा जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच एडिलेड में सुबह 9 बजे, ये दोनों मैचेस एडिलेड में, और फिर उसके बाद भारत के लिए मौका होगा कि वो देखे कि क्या सूरत हाल है, आखिरी मौका। अब लोग कहते हैं कि भारत जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो भारत को कहीं ना कहीं वो कंपनसेट ज़रूर करते हैं, और इस ग्रुप में भी सिचुएशन इतनी दिलचस्प है कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देता है, तो उस सूरत में फिर भारत और जिम्बाब्वे का मैच इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएगा और भारत को फिर मौका मिलेगा। जावेद भाई, जैसी सूरत हाल है तीन मैच, पाकिस्तान का मैच जो है वो सुबह 5 बजे, तो आप कैसे देखते हैं इसको? साउथ अफ्रीका नेदरलैंड का सुबह 5 बजे, पाकिस्तान का सुबह 9 बजे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, अच्छा वहाँ के वक्त के मुताबिक दोपहर के 3 बजेंगे। डिपेंड करता है कि मतलब क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, राइट। अब देखते हैं कि दोनों टीमों ने अपने आप को किस तरीके से किया है, राइट। इनकी जो लास्ट मैचेस जो खेले, बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया, बांग्लादेश का कोई पता आप नहीं, उनको आसान ना लेंगे। ये क्रिकेट में कोई भी जीत सकता है, दो प्लेयर अच्छे चाहिए, वो आप बता रहे हैं पहले से इसके अंदर, राइट, ठीक है। अच्छा खेलते हुए सब आ रहे हैं, आगे पीछे हो रहा है, तो अब इट्स गोइंग टू बी सेम के भाई जो भी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा, क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज मिलती है और वो तुम अवेल करते जाओ तो आप वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। अगर कभी आप बाजी टीमें होती हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कि एक अपॉर्चुनिटी उसमें निकल जाते हैं, तो ये याद लगता है, मतलब कोई भी जीत सकता है 2020 में। अहमद, अगर साउथ अफ्रीका नेदरलैंड को हरा देता है तो फिर पाकिस्तान की उम्मीदें तो खत्म हो जाएंगी। देखिए, हम तो यही दुआ करेंगे कि कुछ ना कुछ हो के या तो इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाए, ठीक है, या तो साउथ अफ्रीका जो है नेदरलैंड से हार जाए, या उनका जो भी वॉशआउट सिस्टम है, और पाकिस्तान अपना बांग्लादेश का मैच जीत ले। हम सबकी तो यही दुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के स्पॉन्सर्स के लिए भी, यहाँ का जो सारा कॉर्पोरेट है, स्पॉन्सरशिप है, और देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान का ऊपर जाना इस वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक दफ़ा और अगर पाकिस्तान इंडिया ऊपर टकराते हैं तो आप देखें कि फाइनेंशियली कितना ज़्यादा वो फ़ायदा होगा आईसीसी को, क्रिकेट को, और फिर क्रिकेट में बढ़तरी में वो पैसा इस्तेमाल होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमारी तो सारी दुआएँ पहले दिन से इसी तरह की थी कि कुछ ना कुछ हो के, अभी भी मेरा तो फेथ है कि हमेशा जब तक चीज़ें चल रही हैं कभी हार नहीं माननी चाहिए, और अभी भी दुआ है, पूरे पाकिस्तान की दुआ है कि इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान आके खड़ा हो जाए कि हम थ्रू हो जाए। जावेद भाई, जिस तरह से बांग्लादेश ने आखिरी मैच अपना, वो भारत के ख़िलाफ़ भी उनका बड़ा टफ़ उन्होंने उनको टाइम दिया, तो अब बांग्लादेश का कुछ स्टेक पर नहीं है, बांग्लादेश की चांसेस नहीं है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि जब उनका कुछ स्टेक पे नहीं तो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देगा बांग्लादेश? देखिए, क्रिकेट में तो वही खेलनी है जो इन्होंने खेलनी है, जिस तरीके से अब डिपेंड करता है कि आप कितने साउंड आते हैं, कितने मतलब प्लेयर आपके कितने मतलब किस तरीके, सारी डिपेंड करता है परफॉर्मेंस। लेकिन पिछला मैच हम जीते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मोरल तो हमारा हुआ होगा ना? बिल्कुल ना, तो इसी तरीके से आपको, क्योंकि आप गए जीतने के लिए, अपने जहन में ये मैच हार गए कोई बात नहीं, मगर आपका एम एवरीथिंग जो है, अच्छा हारने से सीखते भी हैं,
हारने से आपने देखा ये होगी कि वजह क्या हुई क्यों हारे, लेकिन दो हारने के बाद सीखे ना, तो जब देर आया दुरुस्त आया वाली बात है। मेरा मतलब कहने का है कि क्रिकेट में हारने के बाद सीख के फिर आगे आ के आपको फायदा, फिर गलती पे गलती नहीं करना चाहिए। ये चैंपियंस ट्रॉफीज होती है, ये एशिया कप होते हैं, ये टूर्नामेंट्स वर्ल्ड कप जैसे होते हैं ना, यहाँ पे आपने जो है ना प्रोएक्टिव रह के ऑन द मार्क आना है पहले मैच से, क्योंकि यहाँ पे जब आप शुरू में ही थोड़ा सा पीछे हो गए तो आपको ऊपर वापस आने में लोग आने नहीं देते, क्योंकि लोग बड़ी तैयारी के साथ प्रिपेयर आते हैं। बायलेटरल सीरीज में ये होता है कि लोग अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं, वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं, बड़े इवेंट में, लेकिन बड़े इवेंट में जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ बर्स्ट मारते हैं। अगर आप वहां शुरू में पीछे रह गए तो फिर अगर आपने दुनिया को मैच दो मैच हम हार गए ना, फिर हम पीछे। देखें जावेद भाई, बाबर आजम जिससे बड़ी तवक्कात वाबस्ता थी, 4 मैचों में 14 रन, 3.5 का एवरेज और स्ट्राइक रेट 46 का। मोहम्मद रिजवान जो बैकबोन है बाबर आजम और रिजवान, 4 मैचों में 71 रन। शान मसूद के 4 मैचों में 110 रन, अगरचे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाकाम हुए। इफ्तिखार अहमद के 4 मैचों में 113 रन, उनका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है अब तक 134 का। नवाज के 59 रन, शादाब खान के 4 मैचों में 68 रन, 78 रन। आप इसको कैसे देखते हैं, हमारी बैटिंग जो है वो हमें उसने लेट डाउन नहीं किया है हमारी बैटिंग ने? देखिए अब अगर इन्होंने अपने एक या दो मैच ऐसे खेले हो साइड पे पाकिस्तान टीम, अब मौका नहीं है ना जावेद भाई। हाँ। खेले हूँ मैं, हाँ, कह रहा पहले प्रैक्टिस मैच दो खेले, एक इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेला है अफगानिस्तान। बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है ना, अगर सही नहीं है तो आप ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर ऑलरेडी 4 मैचेस में उसके अंदर रन देखे और वो देखे, तो आपने पाकिस्तान देखना है। अगर कोई अच्छा लड़का है तो आप उसको रेस्ट दे दें। कैसे रेस्ट दे दें, सेमीफाइनल के जाने के चांसेस दे जाएंगे? बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर परफॉर्म इस तरह की है तो फिर हाँ, तो फिर आपके पास प्लेयर 14 लेके जाते छोड़ने को कैसे तैयार होते हैं? यही तो चीज है। दूसरे जो है देखिए कहीं भी काउंट नहीं करता, ये जरूरी नहीं है कि इफ यू आर सीनियर प्लेयर और आप 5 खेलता रहूंगा तो फिर टीम का हाल यही होगा ना। तो आपको फॉर द सेक ऑफ कंट्री आपको करना पड़ता है, आपके पास 14 है, 14 में से ही आपने लेने, आपके लिए अहम होगा। अहमद क्या कहेंगे अगर उनसे पूछे कि आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? वो नहीं है तो फिर आप बोले रेस्ट कर लो। नहीं वो कह, खुद कहता है कि हाँ नहीं, अब प्लेयर की भी होती है ना, इस सीनियर प्लेयर खेले कप्तान भी, तो फिर इस तरीके से क्रिकेट में बातें होती हैं, चलता भी ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारी बॉलिंग जावेद भाई फिर भी बेहतर है एज कम्पेयर टू हमारी बैटिंग। अगर आप देखें हमारे बॉलर्स को, कि शादाब खान की 8 विकेटें, वसीम जूनियर 3 मैच अगरचे खेला उसकी 7 विकेटें, हारिस रऊफ की 5, शाहीन शाह अफरीदी फुल्ली फिट नहीं, एक मैच में उन्होंने आउट किए उनकी 4 हैं, नसीम शाह, कैसे देखेंगे? ज़बरदस्त। देखिए शादाब की मैंने पहले मैच से बात की है कि बड़ी अच्छी पेस के साथ उन्होंने बॉल की है, बहुत अच्छी रिदम के साथ, और उन्होंने जो बैटिंग में थोड़ा बहुत चिप इन कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस जो है ना कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है। उसके बाद देखिए पहले मैच हमने मोहम्मद वसीम को नहीं खिलाया और हमने सबने आपने भी बोला सबने बोला कि यार आप मोहम्मद वसीम को इंडक्ट करें, ही कैन बी रियली फ्रूटफुल, और वो आपके सामने है, उनका इकोनॉमी देखें सबसे बेहतर है और उसने पाकिस्तान टीम की बॉलिंग को 4 चांद लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद हारिस, ठीक है हारिस का पिछला मैच इतना कलर नजर आ, देखिए थोड़ा सा वो जो इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इकबाल भाई बड़े अरसे से बड़ी मुश्किल जगहों पर बॉलिंग कर रहा है, आप देखें वो आसान ओवर्स नहीं करता, वो सबसे मुश्किल ओवर्स करता है और वहां पे इतना कंसिस्टेंसी के साथ जितना वो करके आया है, एक दो ऑफ दे मतलब इंसान के, बाकी जो है सारे नसीम शाह भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस तरह की उसने बॉलिंग नहीं की है, इवन दो लास्ट मैच में जो डेप्थ में ओवर्स किए हैं बड़े अच्छे स्लो बॉल उसने यूज किए हैं, लेकिन जो हमें उससे चाहिए विकेट्स, उस विकेट कॉलम को अगर ये थोड़ा सा कल के मैच में बढ़ाएगा तो पाकिस्तान का फायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया में जावेद भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नसीम शाह की मर्जी की मतलब की विकेटें होंगी, क्योंकि तेज है एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, लेकिन इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। देखिए इसमें ये होता है कि आपके साथ जो कोच है या वो है वो किस तरीके से रीड कर रहे हैं और देख रहे हैं, राइट, थोड़ा सा ट्यूनिंग करनी पड़ती है बाद दफा। उमर रशीद है ना इतने जबरदस्त कोच। नहीं मेरा मतलब ये है ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ट्यूनिंग, देखिए कोई भी प्लेयर जो होता है ना डे बाय डे सीखता है, एवरी डे सीखता है, आप आज 0 करो कल आप 0 पे, पीछे क्या किया वो नहीं देखते नहीं। तो हमने क्रिकेट खेलते मैं तो यही कहते थे किसी को किस तरह लाना, किस तरीके से करना, ये एक क्रिकेट का पार्ट है, और आप जब 16 होते हैं आप लोगों ने सारा कुछ करना होता है और किसी ने नहीं करना होता। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जावेद मियादाद, अहमद शहजाद मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करेंगे, इनसे पूछेंगे
कि इनकी नज़र में कौन सी टीम इन्हें वर्ल्ड कप T20 की इस साल 2022 की चैंपियन टीम नज़र आ रही है। साउथ अफ्रीका अनबीटन था इस टूर्नामेंट में, लेकिन पाकिस्तान ने उसे हरा दिया। ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस जोश। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की दिलचस्पी है इस ग्रुप में। इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका की हमने परफॉर्मेंस पे बात की कि साउथ अफ्रीका की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, नाकाबले शिकस्त थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच हार गई। अगर हम भारतीय बैट्समैनों की कारकर्दगी पर नज़र डालें, जो उनके टॉप फाइव बैट्समैन हैं, तो आप देखें केएल राहुल सिवाय विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव के कोई और बैट्समैन इतने रन्स नहीं कर सका। अहमद देखिए, विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है वो 144 का स्ट्राइक रेट है, जबकि 180 का स्ट्राइक रेट है सूर्या कुमार यादव का। और फिर केएल राहुल, उन्होंने एक इनिंग्स खेली, उनके टोटल 72 रन हैं। रोहित शर्मा, उनके 74 रन हैं। तो भारत के लिए लम्हे फिक्रिया है अहमद, क्योंकि उनके टॉप के बैट्समैन राहुल और अपना रोहित शर्मा या पांड्या जो रन्स करते हैं, ये रन्स नहीं कर रहे। अभी जावेद भाई ने एक बात की थी कि हर मैच में जो है ना आपके दो से तीन दो को प्लेयर ही करते हैं, बाकी चिपेंड करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंडिया का किसी भी चैंपियनशिप को जीतना कोहली रीढ़ की हड्डी थे, हैं और रहेंगे जब तक वो खेल रहे हैं। केएल राहुल पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद जो आखिरी इनिंग इन्होंने खेली है, कोहली ने बहुत उनको समझाया साथ। बड़ा फ़र्क पड़ता है जब एक बड़ा प्लेयर, इनफॉर्म प्लेयर आपके साथ खेल रहा होता है तो वो आपको लेके चलता है। उसने 50 किया, अब उनको भी कॉन्फिडेंस होगा। रोहित शर्मा, तो अच्छी चीज़ इनकी ये है कि ये जो इनके दो बड़े प्लेयर हैं, ये भी आने वाले मैचेस में फॉर्म पकड़ सकते हैं। और जब सेमीफाइनल और फाइनल जहां मैटर करता होगा नॉकआउट स्टेजेस पे, ये ऐसे प्लेयर हैं केएल भी और रोहित शर्मा भी और पांड्या भी, ये अकेले ये इंपैक्ट प्लेयर हैं, अकेले मैचेस जितवा सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि कोहली की जो है ना इनकी फॉर्म वापस है, तीन, और वो तीन सेंचुरियां की, ना सिर्फ वो मैचेस खेल रहे हैं, आप देखें कि जब वो पहली इनिंग खेलते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि इंडिया 180 इंडिया 85 पे पहुंचे, दूसरी इनिंग में पहुंचते हैं, मेक श्योर करते हैं वो बीच में छोड़ के ना आए, सारा प्रेशर अपने पे लें, जो क्रिटिसिज्म भी है वो अपने पे लें, लेकिन एंड तक वो मैच। ये बड़े प्लेयर की निशानी। जाहिद भाई, इन्होंने जो अहमद कह रहा है कि अगर एक सीनियर प्लेयर साथ हो, तो मुझे वो याद आ गया अक्टूबर 1976 का न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जब आपने टेस्ट डेब्यू किया और आप बैटिंग करने के लिए गए तो आपके साथ थे आसिफ इकबाल। और आसिफ इकबाल एक तजुर्बाकार खिलाड़ी, उसने आपको खिलाया और आपने डेब्यू में 163 रन स्कोर कर दिए, सेंचुरी स्कोर कर दी। फर्क पड़ता है किसी सीनियर, मैं थोड़ा सा ये कहूँ, बल्कि उस मैच के बाद आसिफ भाई का पता क्या स्टेटमेंट था? हाँ, आसिफ भाई ने स्टेटमेंट दिया था, बताया था कि यार मुझे ऐसा लग रहा था मैं पहले टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है। अच्छा, ये चीज हुई थी सच्ची। तो मैं मतलब वो जैसे एक आदत थी, नॉर्मल खेलते हुए आ रहे थे और मैंने खेला था, उन्होंने ये बताया, पूछना कभी उन्होंने, बल्कि ओपन कहता है ऐसा लग रहा था मैं पहले टेस्ट कर रहा हूँ, ये मुझे बता रहा था। फर्क पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी कि देखे मेरी क्रिकेट 70 मतलब अंडर 19 से ये होता क्रिकेट की थी, क्रिकेट की समझ। ये जो अहमद कह रहा है कि एक अगर सीनियर प्लेयर है जैसे कोहली अगर क्रीज पर मौजूद है तो उसका होना सबसे अच्छी थी कि मेरी और आसिफ भाई के, हालांकि मैं जो मामा इतनी आला अंडर रनिंग बिटवीन द विकेट भी जबरदस्त होती थी, आप उनको पता है कि मैं कहां रुकूंगा भागेंगे, मुझे पता है वो कहां, तो सबसे मेन जो चीज थी ना वो थी वो कराची में जो याद है जावेद भाई आपको, आसिफ भाई जो थे ना बड़े माइंड तेज, वो इंडिया में भी रणजी ट्रॉफी खेले थे पता है आपको, फिर वो यहाँ पाकिस्तान आए और उन्होंने, उनको ये था कि इस जगह पे किसना खेलना चाहिए, इस जगह पे किसना खेलना, ये चीजें जो थी ना उस टाइम पे। शारजा की क्रिकेट भी उन्होंने ही शुरू की आसिफ इकबाल ने, मुखातिर साहब के साथ मिलकर शारजा की क्रिकेट, बिल्कुल क्रेडिट उनको जाता है। देखिए उस वक्त मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, माजिदान, ये सब टेक्निकली टॉप के प्लेयर थे, ठीक है ना, मगर उसके अंदर भी ये सारे यही रन्स करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान, हालांकि मैच बॉलिंग से मार खा रहा था, मगर भी इमरान बैटिंग तो हमारी हमेशा अच्छी थी, यही बचाते मोहम्मद ब्रदर्स टीम दिमाग से भी खेले, सेंस होना चाहिए आपको, आप उसको रीड करें किस तरीके, अब आज कॉपी करें, काश हमारे लड़के ये सोच लें। अहमद क्या कहेंगे आप, एक तो भारत की जो इस तरह आपने कोहली की बात की, लेकिन अगर हम भारत की बॉलिंग पर आए
तो आपको क्या लगता है अश्विन इतना तजुर्बाकार, इतना कामयाब नहीं रहा, बहुत पिटाई हो रही है उसकी, एक्सपेक्ट कर रहे थे? रविंद्र जडेजा के अनफिट होने से बड़ा फ़र्क पड़ा है, आप समझते हैं कि वो बैटिंग भी कर लेता था, बॉलिंग भी तेज करता था? अगर हम देखें तो देखें इनकी जो सबसे ज़्यादा विकटें वो हार्दिक पांड्या अर्शदीप सिंह की हैं, 9 विकटें, और उसने जिस तरीके से अपने आप को पॉलिश किया है अर्शदीप सिंह ने, इकोनॉमी रेट भी 8.2 का है, 4 मैचों में 9 विकटें, 6 विकटें हार्दिक पांड्या की, अश्विन की सिर्फ 3 विकटें, शमी को लाए जसप्रीत बुमराह की जगह उसकी 4 विकटें, जबकि 3 विकटें भुवनेश्वर कुमार की। देखिए हमने पहले ही बात की थी कि इंडिया की बॉलिंग जो है उस तरह की एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं नज़र आती, थ्रेट नहीं है, ये अच्छी डिसेंट बॉलिंग अटैक है कि किसी भी टीम को आप गिवन डे सफोकेट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। लेकिन वो आना कि बाहर से ये सोच के आना कि भाई यहाँ पे तो रबाडा भी है, नोकिया भी है, हारिस राउफ भी है, नसीम शाह भी है, तो ये एक मिलजुल के काम कर रहे हैं। अश्विन बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी आउट करने जा रहे हैं, ठीक है, बॉल डॉट बॉल करने के बजाय आउट करने, तो मेरे ख्याल से यहाँ उनका रोल ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना चाहिए, जो वो सोचते हैं कि उनको थोड़ा सा कंटेन करें, क्योंकि बैट्समैन उनके पीछे जाएंगे ही जाएंगे, उनको विकेट खुद मिल जाएगी। अगर आपने डेविड मिलर को भी देखा हो पीछे, तो वो आउट करने जाते हैं, छोड़ते हैं वहाँ, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर वो अपनी गेम को रीड कर रहे होंगे अगले मैच में, तो उम्मीद करते हैं स्ट्रॉन्ग आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद। इसके साथ ही जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।